28 जुलाई 2018 वो ऐतिहासिक दिन जब इस प्यारे फोन ने मेरी जिंदगी में एंट्री मारी। और ये कौन सा फोन है? बेसिकली Asus Zenfone Max Pro M1, जिसको लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी मैं अपने प्राइमरी डिवाइस के तौर पे इसको यूज कर रहा हूं। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, आप लोग खूब सारा प्यार देते हो, खूब उन वीडियोस को पसंद करते हो और पता नहीं इस फोन में ऐसा क्या है, लेकिन जो भी है वो इसे अपने आप में एक स्पेशल फोन बना देता है। और मेरे लिए इस फोन के मायने बहुत ज्यादा है क्योंकि आप लोगों को मैंने इसी फोन से एंगेज किया है, इतना ज्यादा कॉन्टेंट दिया, आप लोगों का प्यार पाया, सब कुछ इसी फोन की मदद से। और इस वीडियो में आज मैं इस फोन का रिव्यू आपको देने वाला हूं कि 3 साल बीत गए, आज इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या कुछ चीजें हैं जो अच्छे से या फिर बुरे तरीके से इस फोन पे काम करती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इमोशनल टाइप हो रहा है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह के और वीडियो एंजॉय करने के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले इस फोन के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। मैंने 2 साल पूरे होने पे भी इस फोन पे वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो, आई बटन में मेंशन कर दूंगा वहां पे क्या कुछ फर्क था और इसमें क्या कुछ फर्क आया उस वीडियो के मुकाबले, सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो फोन के डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन वैसा का वैसा है, कुछ भी नहीं हुआ। एक हल्का सा डेंट आ गया है जो कि मेरी गलती की वजह से था, 2 साल पहले जब रिव्यू बनाया था तब भी ये था। और फोन पे ना पीछे कुछ निशान आ गए हैं व्हाइट कलर के, जैसे पेंट कहीं कहीं से इसका निकल गया हो। वो इसलिए भी हो सकता है कि फोन को टाइम हो गया, इसलिए भी हो सकता है कि मैं इसके साथ में हमेशा बैक कवर का इस्तेमाल करता हूं और उससे निशान आते हैं। और बैक साइड में चलते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर पे, तो देखो फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन का आज भी काम करता है, अच्छे से काम करता है। वहीं अब फोन के फ्रंट साइड में आ जाते हैं तो फ्रंट साइड में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, डिस्प्ले बिल्कुल ओरिजिनल वाली डिस्प्ले इसके साथ में आज भी लगी हुई है, वो अच्छे से काम करती है, टच में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाय द वे मेरा फोन एक बार मुझसे गिर के टूट गया था, तब मैंने इसका टच रिप्लेसमेंट कराया, सिर्फ टच रिप्लेस कराया, स्क्रीन नहीं, और मुझे इसके साथ में ओरिजिनल टच ही दोबारा में मिल गई जो कि काफी अच्छे से काम करती है आज भी। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आज भी अच्छे से काम करता है। और कैमरा के साथ में एक छोटा सा इशू क्या है, जब मैंने इसके टच को रिप्लेस कराया तो जो ग्लास है वो अच्छे से नहीं लगता दोबारा में, तो इसके अंदर हल्की फुल्की धूल चली गई है जिसके चलते मुझे कैमरा उतना ज्यादा क्लियर अब देखने को नहीं मिलता जितना पहले मिला करता था, बट फिर भी मेरा काम इससे चल जाता है। ईयर पीस की बात करते हैं तो ईयर पीस की क्वालिटी आज भी अच्छी है, जैसी पहले थी वैसे ही मुझे उतनी ही आवाज ईयर पीस से मिलती है जब मैं कॉल पे किसी से बात कर रहा होता हूं। वही बात करते हैं इसके सभी सेंसर्स की, तो सारे सेंसर्स काम करते हैं, चाहे प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो या बाकी सारे सेंसर। फ्लैशलाइट फ्रंट वाली आज भी बराबर काम करती है। अब चलते हैं इसके बटन्स की तरफ, तो जब मैंने इसका टच रिप्लेसमेंट कराया था तो इसका जो ऊपर वाला बटन था ना वो डैमेज हो गया था, तो इसका सर्किट दोबारा से बनाना पड़ा, इसके अंदर नया बटन लगाना पड़ा। तो ऊपर का जो बटन है हल्का प्रेस होता है, प्रेस तो होता है, क्लिक बहुत थोड़ा सॉफ्ट हो गया पहले के मुकाबले, बहुत मामूली सा, जबकि नीचे वाला ओरिजिनल है तो ये एकदम कट कट करता है। तो दोनों में 19-20 का फर्क है, लेकिन आज भी दोनों अच्छे से काम करते हैं। पावर बटन पहले की तरह एकदम बिंदास काम करता है। और लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो होती है इसकी ट्रे, यानी कि जिसमें आप सिम अपना मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हो, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक काम करती है, ना कोई टूटी है ना कोई खराबी आई है उसके अंदर, अभी भी सही से काम कर रही है। और अब चलते हैं फोन के नीचे वाले पार्ट की तरफ, तो यहां पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हो 3.5 mm का जैक। मैंने अपने 2 साल के वीडियो में बताया था कि मेरा ये जैक लूज हो गया है, लेकिन मैंने उसके बाद में क्या किया, अपने ईयरफोन को चेंज किया और उसके बाद मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये आज भी काफी ज्यादा हैवी है। मैं इसमें अपना ईयरफोन लगा के ऐसे फोन को लटका सकता हूं, फोन गिरेगा नहीं, तो ये लूज नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ थी तो इसलिए वहां पे मुझे लूज लगता था। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो मेरे चार्जिंग पोर्ट में कोई खराबी किसी तरह की मुझे देखने को नहीं मिली। आज भी चाहे मैं डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करूं इसको, ADB कमांड चलाने के लिए यूज करूं, फास्टबूट में यूज करूं या चार्जिंग के लिए यूज करूं, बिल्कुल अच्छे से काम करता है। वही बात करते हैं इसके स्पीकर की, तो स्पीकर की जो आउटपुट क्वालिटी है वो भी अच्छी है। कई बार होता है स्पीकर आपका 3 साल से पहले फट जाता है या उसकी आवाज फटने लगती है या आवाज कम हो जाती है, तो वैसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक से ये सारी चीजें काम करती हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा हूं, कुछ बुरी चीजें भी तो होंगी, तो हाँ वो भी आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और कैमरा वाला इशू, टूटने वाला इशू, वो तो मेरी गलती थी बट आपको वो भी ऑनेस्टली बता चुका हूं मैं। अब देखो चार्जिंग टाइम की बात करें तो चार्जिंग टाइम मैं आजकल कस्टम रोम यूज कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर तो इस पर अपना ओरिजिनल वाला मैं नहीं चला रहा हूं, तो लगभग 2.5 से
तीन घंटा चार्जिंग में इसका टाइम लगता है, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि रॉम चेंज करता रहता हूं तो टाइम भी वेरी करता रहता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप अच्छा है, अगर मैं अपने फोन को नॉर्मल यूजर की तरह से चलाता हूं तो फोन मेरा 24 घंटे से ऊपर चल जाता है। गेमिंग वगैरह में चलाता हूं तो फोन मेरा दिन में मुझे दो बार चार्ज करना पड़ जाता है, तो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर, लेकिन बैटरी आज भी अच्छी है। और एक चीज ये है कि जब आप अपनी बैटरी को लगभग 800 बार चार्ज कर लोगे ना 5000 mAh को, तो वो टेक्निकली आपकी 20% डाउन हो जाएगी। तो मुझे अब बैटरी बैकअप ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो चीजें होती हैं उनके बेस पर मैं कह सकता हूं बैटरी थोड़ी सी कम जरूर हो गई होगी, बट मुझे पता नहीं चलता उस चीज का। और नेक्स्ट चीज है इसकी हीटिंग। तो हाँ, डिवाइस जब मैंने नया लिया था तब हीट नहीं होता था, बहुत माइनर होता था, लेकिन अभी के समय में होता है। चार्जिंग पे फोन को लगा के रखता हूं तब होता है, गेमिंग करता हूं हैवी तब जाके होता है, पबजी पे तो नहीं होता उतना ज्यादा, क्योंकि पबजी अब वापस से आ गया है और उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, तो पबजी पे उतना ज्यादा हीट नहीं होता। बट हाँ, बहुत सारे हैवी टास्क और चार्जिंग के समय पे फोन हीटता है, लेकिन उतना ज्यादा भी हीट नहीं होता। तो ये सारी बात हो गई फोन के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर में मुझे आज भी कोई परेशानी नहीं आई है, जैसा फोन मैंने स्टार्टिंग में चलाना शुरू किया था लगभग वैसी ही परफॉर्मेंस मुझे आज भी ये फोन डिलीवर करता है। तो हार्डवेयर इस फोन का एक नंबर है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंपनी ने जब इस फोन को लॉन्च किया था तो कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको दो मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स देंगे। जब ये फोन आया था एंड्रॉइड ओरियो पे था, और यकीन मानो एंड्रॉइड ओरियो इस फोन का अब तक का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर था, जो किसी भी यूजर को सबसे बेहतर एक्सपीरियंस देता होगा, इवन मुझे भी। उसके बाद में हमें मिलता है पाई, और पाई के अंदर हमेशा से कुछ ना कुछ कमियां रही। बात करते हैं इस फोन के ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो इसका सॉफ्टवेयर कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कभी कैमरा में इशू आते रहे, कभी बग्स आते रहे, हर बार नया अपडेट आया, पुरानी चीज फिक्स की, नई प्रॉब्लम हर बार क्रिएट कर दी। तो कंपनी ने इसको कभी भी सॉफ्टवेयर के मामले में अच्छा फोन साबित नहीं किया। और जैसा कि कंपनी को दो अपडेट्स प्रोवाइड करने थे, एंड्रॉइड 9 का उन्होंने प्रोवाइड किया, लेकिन उसके अंदर एंड्रॉइड 9 के सारे फीचर्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिले। उसके बाद कंपनी को काम करना था एंड्रॉइड 10 पे, और कंपनी ने क्या किया, एंड्रॉइड 10 का बीटा 1, 2, 3, 4, 5 तक हमें बीटा दिए, लेकिन स्टेबल वर्जन नहीं दिया। कंपनी इस फोन को बीच में छोड़ के भाग गई, जिसके लिए मैं एसुस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि आप लोगों के बस की अगर नहीं है तो फोन मत बनाओ। और जो कि उन लोगों ने मेरे ख्याल से सीरियस ले भी लिया है, क्योंकि आजकल वो फोन नहीं बना रहे हैं। अगर सस्ते फोन की बात करें, महंगे फोन आजकल वो लोग बना रहे हैं। और फाइनली हम लोग अटक के रह गए एक बग्स से भरे एंड्रॉइड 10 बीटा 5 में। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को सजेशंस दिए, खुद ने भी वो चीज अडॉप्ट की कि इस फोन पे आप कस्टम रोम यूज करो, और काफी सारी कस्टम रोम है, लाइक पिक्सल एक्सपीरियंस हो गई, लाइनेज हो गई, कॉर्वस हो गई, जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। और एक और इशू जो मैं इस फोन के साथ में बहुत ज्यादा फेस कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे DSLR खरीदना पड़ा, जिससे अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, वो क्या है, इसका कैमरा एरर। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मेरी गलती की वजह से है या फोन के साथ ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी। इस फोन पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, मुझे दरअसल दिन में 7-8 वीडियो तक शूट करनी पड़ जाती है एक एक दिन में, यानी कि मैं हफ्ते में एक ही दिन शूट करता हूं, तो ज्यादा वीडियोस तो ऑब्वियसली करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर दिन एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करनी ही होती है। तो फोन ज्यादा लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, 5 मिनट 6 मिनट बस। उसके बाद फोन में लिखा हुआ आता है सीरियस कैमरा एरर, और कैमरा बंद हो जाता है। फोन रिस्टार्ट करता हूं, कुछ सेकंड चलता है, उसके बाद में फिर वही दिक्कत आती है, और फोन कैमरा चलाते हुए बहुत ज्यादा हीट भी हो जाता है। तो मेरा कैमरा का जो भी काम था वो मैं वीडियो शूटिंग के मामले में नहीं कर सकता। फोटोज में इससे आज भी ले पाता हूं, फोटोज के मामले में कैमरा काम करता है। और फ्रंट कैमरा का हाल मैंने आपको बता दिया, थोड़ा धुंधला हो गया क्योंकि मैंने टच रिप्लेसमेंट कराया था, और मे बी इसके अंदर थोड़ी धूल वगैरह चली गई। और गेमिंग परफॉर्मेंस वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन गेमिंग के मामले में आज भी इस फोन के अंदर दम है। मैं इस पर आज भी पबजी खेल पाता हूं 60 FPS में, स्मूथ ग्राफिक्स के साथ में GFX टूल का इस्तेमाल करते हुए खेल सकता हूं। नॉर्मली अगर आप देखें तो 30 FPS में खेल सकता हूं हाई सेटिंग्स पे, और फोन बहुत ज्यादा हीट उसमें नहीं होता, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे आज भी डिलीवर कर देता है। बट मार्केट में अब बहुत ज्यादा अच्छे फोन आ गए हैं, ये 3 साल पुराना है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपको कहीं से ये फोन मिल रहा है या खरीदना चाहते हो तो इस फोन को आप खरीदो। मार्केट में और बहुत सारे अच्छे फोन अवेलेबल हैं, उन पे आप लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए। और मैं भी देखता हूं कि ये फोन मेरा कब तक चल रहा है, और इसके बाद में जब मैं अपग्रेड करूंगा तो कौन सा फोन लूंगा। और मेरा मन है कि आप लोगों को एक बार बताऊं, आप लोगों से थोड़ी सलाह लूं जब भी नया फोन लूं, और बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। और यही मेरा कुछ ओपिनियन था, एक रिव्यू था 3 साल के बाद में इसी Asus ZenFone Max Pro M1 के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।